Welcome to Rizvi's e-learning channel. Very good afternoon. Today we will start a new unit which is impulse invariant transformation. अभी तक हमने दूसरे ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की थी, अब इस यूनिट में हम किसकी बात करेंगे? इम्पल्स इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज पढ़ेंगे और कैसे हम इम्पल्स इनवेरिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ IIR फिल्टर्स, है ना। हम IIR फिल्टर्स की हेल्प से इनका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सो क्या इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं इसमें, वो हम सबसे पहले देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज क्या हैं। तो हमारे इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन फार्मूलाज हैं H of S हमारा किसमें है, जो कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है, वो किस फॉर्म में रहता है? H of Z, ठीक है। H of S किस में रहता है? H of Z के उसमें रहता है। और फिर कुछ फार्मूले, पहला फार्मूला जिसमें से ये आ जाता है A upon S plus PK विच गिव्स A 1 upon E की पावर माइनस पी आर टी जेड पी, ये R क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है, T और Z इनवर्स, ये हमारा इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। देन सेकेंड पे आ जाते हैं, तो S प्लस A है हमारा, S प्लस A अपॉन क्या हो जाएगा, S प्लस A के स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के फॉर्म में है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस E माइनस ए टी, है ना। S प्लस ए यहाँ पर क्या था, S प्लस पी के था, यहाँ पर क्या आ जाता है, S प्लस ए, तो इसी के फॉर्म में आ रहा है। तो 1 माइनस ई माइनस यहाँ पे क्या था, P था, यहाँ पे A है तो E की पावर माइनस ए टी हो जाएगा। देन कॉस बी टी जेड इनवर्स, जो कि हमारा जेड इनवर्स है, ठीक है, अपॉन S प्लस ए का स्क्वायर है, देन B का स्क्वायर है, तो इसी के फॉर्म में रखेंगे 1 माइनस, यहाँ पर A का स्क्वायर है, B का स्क्वायर है, तो A प्लस B का स्क्वायर 1 माइनस 2 E माइनस ए टी कॉस बी टी प्लस E 2 ए टी जेड की पावर माइनस 2, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कन्वर्जन फार्मूला है। तो तीसरा कन्वर्जन फार्मूला भी हम देखते हैं कि वो कैसे कन्वर्ट होता है एक चीज से दूसरी चीज में। सेकेंड हमने देख लिया था, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा किस फॉर्म में है, बी एस अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर क्या था, ऊपर न्यूमरेटर में क्या था, यहाँ s प्लस ए आ रहा था, अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, b आ रहा है, तो इसका कैसे कन्वर्जन करेंगे, 1 माइनस ई माइनस ए टी कॉस बी टी जेड की पावर माइनस इनवर्स अपॉन s प्लस ए स्क्वायर और b स्क्वायर का जो ये था वही सेम रहेगा, 1 माइनस 2 ई माइनस ए टी कॉस बी टी जेड की पावर माइनस इनवर्स प्लस ई माइनस 2 ए टी जेड की पावर माइनस 2, जो इसका रहेगा वही सेम इसका भी रहेगा, है ना, क्लियर है ना। बस क्या है, हमारा न्यूमरेटर यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर चेंज है। तो अब हम जब हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, तो हम ये चेक करेंगे कि किस फॉर्म में है, जो हमारा a अपॉन s प्लस समथिंग के pk के फॉर्म में जो था उस फॉर्म में है, या क्वेश्चन हमारा b अपॉन s प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है, या हमारा s प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हम उस क्वेश्चन को उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करके और उसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। आइए चलिए हम एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं, तो आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। Before coming to the question, we will just introduce what is impulse invariance. Impulse invariance होता क्या है, उसके बाद हम करेंगे इससे related questions, उसका transformation हम करेंगे, कैसे transform हो रहा है H of S से हमारा H of Z में, वो हम transformation देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं impulse invariance है क्या, क्या है, इट इज़ अ टेक्निक, ये एक तरह की टेक्निक है जो डिजाइन फॉर डिजाइनिंग डिस्क्रीट टाइम इनफाइनाइट इम्पल्स
रिस्पॉन्स, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, जो कि हमारा हो जाता है IIR, है ना, IIR फॉर डिजाइनिंग डिस्क्रीट टाइम इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फ्रॉम, कहां से कर रहे हैं अब, कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर से कर रहे हैं, इन विच द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम इज सैम्पल्ड। उसमें क्या हो रहा है, जितना भी कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम था वो क्या हो रहा है, उसकी सैम्पलिंग हो रही है, सिग्नल्स क्या हो रहे हैं हमारे, सैंपल आउट हो रहे हैं टू प्रोड्यूस द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। जब हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के सिग्नल्स को सैंपल करेंगे तो उसी के बाद तो हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का सिस्टम मिलेगा, है ना, सैंपल करेंगे, सैंपल करने के बाद हमें क्या मिलेगी, वैल्यूज मिल जाएगी सिग्नल्स की, कि क्या वैल्यूज आ रही है हमारे सिग्नल की। तो ये एक तरह की सिंपल एक छोटी सी टेक्निक है जिसको कह लीजिए फॉर डिजाइनिंग डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स इनफाइनाइट डिस्क्रीट टाइम इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फ्रॉम कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर्स इन विच द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम इज सैम्पल टू प्रोड्यूस द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको इस डेफिनेशन से कि हमारा इम्पल्स इनवेरियंस क्या है, है ना। तो अब हम इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है, जब क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, वी विल कंटिन्यू द क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास एंड वी विल सॉल्व वन बाय वन, वी विल सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड कैरी ऑन द सेकेंड यूनिट। थैंक यू।